हेलो दोस्तों, जय कवितन जय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तवा पुलाव। बहुत इजी तरीके से क्यों कैसे तवा पुलाव बनता है मैं आज आपको बताऊंगी। ये महाराष्ट्र की सबसे फेमस डिश है। इसको लोग पाव भाजी वाला पुलाव भी बोलते हैं। ये बहुत तीखा, खाने में बहुत खट्टा, बहुत ही जैसे हम भाजी का टेस्ट होता है वैसे लगता है हमें ये पुलाव खाने में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे कि सब लेटेस्ट अपडेट आप मिलती रहें। ये मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने सामान लिया है। यहाँ मैंने 4 कप बॉयल्ड राइस ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से पका के रख लिया है। एक नींबू है, आलू है, मटर है, धनिया और शिमला मिर्च, प्याज ली है, हरी मिर्च, 4 टमाटर ली हैं, जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और इसका सबसे खास इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला, जो हमें ज़रूर चाहिए इस समय। अब मैं बताती हूँ ये मैं कैसे बनाऊँगी। आप इस तवे पे भी बना सकते हैं या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन चार लोगों का तवे पे बनाना इतना ईजी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं है। तो मैं आपको कढ़ाई में ही तवा पुलाव बना के सिखा रही हूँ। इस कढ़ाई में मैंने 2 सर्विंग स्पून ऑयल लिया और 1 स्पून जीरा डाल दिया। जैसे ही हमारा जीरा पकेगा, हम उसके बाद इसके अंदर 3 प्याज मैंने छोटी छोटी काट के ले लिए, उनको मैं डाल दूँगी। इसके बाद मैं हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना तीखा खाते हैं उतनी मिर्च इसमें डालिए। थोड़ा तीखा बनता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें तीखा कर सकते हैं जितना आप खाते हैं। अब प्याज और हरी मिर्च को मैं भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकालना है। इसके बाद मैं 2 सर्विंग स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप लहसुन पसंद नहीं है, लेकिन लहसुन का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं इसको और भूनूंगी कि लहसुन का कच्चा निकल जाए, जो भी कच्चापन है। साथ में मैंने मटर और शिमला मिर्च डाल दिए कि प्याज के साथ उसमें भी लहसुन अदरक का सबका टेस्ट आ जाए। अब टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर मैंने। 4 बड़े टमाटर हैं जो मैंने चॉप करके रखे थे, छोटे साइज़ के नहीं है, बड़े साइज़ के थे। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाले का पाउडर लिया है। गरम मसाला ये घर का ही है, आप कोई सा भी गरम मसाला इसमें डाल सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको ढक दूंगी, जिससे कि जो हमने इसमें टमाटर डाला है वो थोड़ा सा गल जाए। अब इसमें ये मैंने 3 बॉयल आलू छोटे छोटे काट के रख लिए थे, वो डाल दिए हैं। इसका सबसे ज़रूरी मसाला पाव भाजी मसाला, ये 2 सर्विंग स्पून मैंने डाल दिया है। ये मसाला थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो आप उसी हिसाब से मिर्च इसमें डालिए, क्योंकि पाव भाजी मसाला भी थोड़ा सा तीखा होता है। फिर मैंने इसको 2 मिनट ढक के रखा, जिससे कि सारा मसाले में इन सब सब्जियों में टेस्ट आ जाए। जो आलू डले हैं, जो हमने शिमला मिर्च मटर है, उसके अंदर पाव भाजी का पूरे का टेस्ट आ जाए। अब इसके अंदर मैंने नमक डाला है, नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। फिर नमक डालने के बाद थोड़ी देर ढक दिया है हमारा, बार बार 2-2 मिनट के लिए जो मैं ढक रही हूँ, बस मसालों का टेस्ट आ जाए उस सब के अंदर। अब मैं इसमें जो मैंने 4 कप बॉयल्ड राइस लिए थे वो लिए, बस चावल आपके बहुत खिले खिले होने चाहिए, चाहे आप रात के बचे हुए चावल हों, चाहे आपके ताजी बनाए हुए चावल हों, दोनों से ये बन सकता है, बस चावल खिला हुआ होना चाहिए। इनको आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स करिए। अब इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डालिए। ये सब तेज आंच पे मैं कर रही हूँ इस समय, तेज आंच पे करके खूब अच्छे से इसको हमें भूनना है कि सब चावलों के अंदर और ये सब मसाले अंदर तक चावलों में आ जाएं। आप देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैंने 1 नींबू डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया, लेकिन मैंने गैस अब बंद कर दी है। नींबू डालने के बाद आपको गैस बंद कर देनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। जैसे आप पाव भाजी में बटर डाल के खाते हैं, इसमें भी बटर डाल के खाइए और आपको टेस्ट में मज़ा आ जाएगा। क्या तीखा चटपटा हमारा ये पुलाव है।
आप चाहे तो किसी भी दही या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैं सिंपल दही के साथ इसे सर्व कर रही हूँ, आपकी जिसके साथ इसको आप खाना चाहते हैं। आप देखिए इसका एक एक दाना खिला खिला बना है, बस इतना ही ध्यान रखिए, चाहे तवे पे बनाइए, अगर आप एक जने का बना रहे हैं तो घर के तवे पे आराम से बन जाएगा, लेकिन मैं चार लोगों के लिए बना रही थी तो बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं तो बाजार वालों जैसा बड़ा तवा होना चाहिए। लेकिन बनाने की विधि यही है, चाहे आप तवे पे बनाएं चाहे कढ़ाई में बनाएं। अब आप देखिए ऐसा पुलाव जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, आप इसको खाइए और इंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।